हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको आरिचल 6 पे कैसे वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे हम HTTPD पैकेज कहते हैं। HTTPD हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डीमन। डीमन मींस एक सर्विस। ये सर्विस हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसके लिए आपको एक आरिचल 6 का DVD चाहिए। ये DVD मैंने अपने सिस्टम में इंसर्ट करके डाल रखा है, यहाँ देखिए, और ये माउंट होके डेस्कटॉप पे आ चुकी है। इसके अंदर पैकेज होता है HTTPD का। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन के लिए RPM कमांड के थ्रू मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, RPM स्पेस हाइफन IVH स्पेस, मेरा जहाँ DVD है वो DVD का पाथ देंगे। DVD माउंट है मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर RHL 6, देन पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर HTTPD, HTTPD, एस्ट्रिक का यूज़ कर लेंगे तो HTTPD जो भी सर्विस होगी वो पूरी की पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। इसके लिए सबसे पहले डिपेंडेंसीज चाहिए। सो अभी क्या करते हैं, वन बाय वन करके इंस्टॉल करते हैं। 2.2 ये फर्स्ट हमारा RPM है, इसको इंस्टॉल करते हैं। देन टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं, टैब का यूज़ करके हाइफन टूल्स, एंटर प्रेस करेंगे, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, सो इतने से ही हमारा FTP सर्वर बन जाता है। अब यहाँ पर एक कमांड यूज़ करके एग्जीक्यूट करके हाइफन QA करके HTTPD एस्ट्रिक एंटर, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैकेजेस हमें चाहिए वो इंस्टॉल्ड हैं। HTTPD 2.2 ये हमारा पैकेज है वेब सर्वर बनाने के लिए, जो कि इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। अभी अगर मैं इस सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ, जो भी सर्विस हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसे रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो सर्विस HTTPD स्पेस रिस्टार्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो सर्विस रिस्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करते हैं और सिस्टम का IP एड्रेस डाल के एक बार चेक करते हैं वेब सर्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंटर प्रेस करेंगे, ये FTP सर्वर है, यहाँ पर FTP की जगह पे आप HTTP यूज़ करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रेड हैट का डिफ़ॉल्ट पेज बन के आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेब सर्वर है वो रन कर रहा है। अब यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी, जैसे वेब ब्राउज़र में हमें पेजेस बदलने होते हैं तो यहाँ पर हमें पेज चेंज करना पड़ेगा। एक पेज छोटा सा डिज़ाइन करते हैं इसी में, यहाँ पर सेव एज यूज करते हैं। सेव एज फाइल का नाम मैंने anil.html दिया है और इसको मैं सेव कर रहा हूँ HTML के फॉर्मेट में। ओपन एन ओके, कैंसिल कर देते हैं, सेव हो चुकी फाइल। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक पेज मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ ये पेज रन करे मेरी वेबसाइट पे, तो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप ओपन इन टर्मिनल, टर्मिनल ओपन करेंगे, देन एक फाइल है HTTP फाइल, उसको हमें एडिट करना पड़ेगा, जो कि फाइल का लोकेशन है VI के थ्रू हम एडिट करेंगे। ETC HTTPD
httpd टैब यूज करेंगे, देन conf फॉरवर्ड स्लैश httpd.conf, ये फाइल है जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं /etc/httpd.conf. यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, पेज के लास्ट में आएंगे, पेज डाउन के थ्रू. यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 7 लाइंस हैं, इन 7 लाइंस को हमें कॉपी करना पड़ेगा. तो 7 टाइप करके YY प्रेस करेंगे, 7 लाइन मेरी कॉपी हो चुकी है. नीचे P प्रेस करके आप इसको पेस्ट कर देंगे, हैश को डिलीट कर देंगे. जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम चेंजेस करते हैं, तो हैश एग्जांपल के लिए होता है, नीचे आप उसी फाइल को नेक्स्ट. यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है, जो भी हमारे सिस्टम का आईपी है जिस पे आपने वेब सर्वर इंस्टॉल किया है. तो इस सिस्टम का आईपी है 192.168.88.248. नीचे आप यहाँ पर आईपी एड्रेस देंगे, सर्वर एडमिन रूट है, root@192.168.88.248. देन यहाँ पर डॉक हमारा जो, अब ये जो यहाँ पर थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करके ये जो anil.html है, इस डॉक्यूमेंट को मुझे कॉपी करना है कंप्यूटर फाइल सिस्टम. यहाँ पर आप वर्क के अंदर जाएंगे, देन www root, यहाँ पर आपको html मिलेगा, यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा ये डॉक्यूमेंट. सो लोकेशन क्या थी, वर्क के अंदर www.html, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है anil.html. बंद करते हैं इसको और फिर से वापस ओपन करते हैं अपनी फाइल को. और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रूट है, यहाँ पर मुझे क्या देना है, डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, लोकेशन है वर स्लैश www/html. देन यहाँ पर आप डायरेक्टरी इंडेक्स में anil.html देंगे, फाइल को सेव कर देंगे. यहाँ पर अब मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो डायरेक्टरी इंडेक्स है नया मैंने ऐड किया है, यहाँ पर आप जो फाइल आपने बनाई है वो फाइल देंगे और लोकेशन क्या है वो ये देंगे. उसके बाद इसको सेव करके वापस आएंगे, सर्विस को दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे, देन अगेन बंद कर देंगे इसको. ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप जो मैंने पेज बनाया है ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है एचटीटीपी के थ्रू, यानी कि वेब सर्वर अब हमारा बन चुका है. सो इस पूरे सेशन में आपने सीखा कि एचटीटीपीडी सर्विस कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग.